प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा जय यीशु। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र ग्रंथ या बाइबल में माता मरियम के बारे में बहुत ही कम जगहों पर बताया गया है, लेकिन अगर हम गौर से मनन चिंतन करें और सुसमाचार की ओर अपना मन फिराएं, तो हम यह देख सकते हैं कि माता मरियम का सुगंध सुसमाचार के कोने कोने में फैला हुआ है। कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रवचन में इस प्रकार सुना कि सुसमाचार में कोई भी उदाहरण, कोई भी उपमा माता मरियम से ही जुड़ा हुआ है। माँ मरियम का सानिध्य पवित्र सुसमाचारों में यीशु दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री जिसे लोगों ने पकड़कर ईसा मसीह के सामने ले आते हैं, लेकिन हमें पता है कि ईसा मसीह उस स्त्री के पापों को क्षमा कर उन्हें छोड़ देते हैं। क्यों हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब ईसा मसीह उस स्त्री को देखे, तब ईसा ने अपनी माँ को 30 साल के पहले अपनी माँ को उन्होंने याद किया होगा। किस प्रकार माता मरियम को अपने पिता नीतिमान संत योसेफ ने माँ मरियम की संरक्षण की, और ईसा अपने मन में यह सोचे कि इस स्त्री, इस व्यभिचारी स्त्री को भी संरक्षण देना, सुरक्षित रूप से वापस लौटाना मेरा कर्तव्य है। दूसरे एक उदाहरण की ओर हम अपने आंख दौड़ाए, नाइन की विधवा। जब यह विधवा अपने एकलौते पुत्र के मृत शरीर को लेकर रास्ते से गुजर रही थी, ईसा उस रास्ते से आकर इस विधवा के आंखों में उनकी कष्ट दुख को देखकर ईसा ने भी अपनी माँ को याद किया, माता मरियम को याद किया, क्योंकि ईसा को पता था कि एक दिन माता मरियम भी इसी प्रकार अपने एकलौते पुत्र को खो देने वाली है, और इसीलिए अपने मन में बहुत ही इच्छा रखते हुए ईसा मसीह ने उस मृत बालक को, लड़का को जीवंत कर इस विधवा के हाथ में सौंप देते हैं। और एक उदाहरण हम सुने, विधवा मंदिर में खजाने में 1 पैसा डालती है। वहाँ पर भी ईसा मसीह उस विधवा की ओर देखकर वहाँ इकट्ठे हुए लोगों से कहता है कि उस विधवा ने अपने जीवन में जो कुछ संपत्ति थी, वह सब कुछ उन्होंने समर्पित किया है। उस समय ईसा मसीह ने अपनी माँ मरियम को याद किया कि एक दिन उनकी माँ भी इसी तरह अपनी संपत्ति, एकलौते संपत्ति को पिता परमेश्वर की ओर समर्पित करने वाली है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो क्या हम नहीं कह सकेंगे कि माता मरियम का सुगंध पूरे सुसमाचार में फैला हुआ है? इस प्रकार सुसमाचारों में माता मरियम का सानिध्य है। माँ मरियम हमें ईसा मसीह के उदाहरण, ईसा मसीह ने दिए हुए उदाहरणों के द्वारा माँ मरियम हमारे लिए एक रास्ता बन जाती है परमेश्वर की ओर पहुँचने के लिए। माँ मरियम को हम स्थान दें जिस प्रकार ईसा मसीह ने अपने माता को महत्व देते हुए माँ मरियम को सबों के सामने स्थान दिया था, महत्व दिया था। तो आइए आज हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह वर दे कि जीवन के हर दौरान पर माता मरियम से हम जुड़े रहें और तेरे रहस्यों को मनन चिंतन कर तेरी योजनाओं को पूरी करने की हमें शक्ति प्रदान कर। आमीन।